क्या किया मेरी मीठी नींद खराब कर दी। ऐसी बस नींद तो बरसों में कभी आती है। अरे रे 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 रे, तेरा सपना तोड़ दिया। चलो इधर आओ शैतान, चाबुक दो। कितने मीठे सपने से चौंका दिया कम वक्त। अब रोता क्यों है? हाँ, सत्यानाश हो तुम्हारा। अरे घोड़े को खोल दो, थक गया है। हम पहुंच गए। अभी नहीं तो रुके क्यों? क्यों क्या दिखता नहीं गाड़ी उलट गई है? चलो उठाओ, जोर लगाओ। वो देखो, वो ही है। ये तो वही बला फिरा रही है, सरकारी कुत्ते। मोमबत्ती दो, मैंने कहा जल्दी से मोमबत्ती दो। तुम साथी हो तोमा अलस्तार के? क्या हुआ? तोमा अलस्तार ने सरकारी कर नहीं चुकाया है। इस साल का कर 30 सोने के सिक्के हैं।
और अगले साल की भी इतनी ही रकम बनती है। सरकारी कर चुकाना कर्तव्य है और रकम भी ज्यादा नहीं। लेकिन पैसा तो चाहिए। ये झूठ है, अभी मेले में बजाया था ना। क्यों? उससे दाल रोटी भी नहीं चल सकी हमारी। भागो मां। और मिठाई लेना में भी एक मैयत में बजाया था। वहां तो मुट्ठी भर अनाज और घूंट भर शराब भी मिली थी। शराब पी पी कर तो बेमौत मरोगे बेगैरत। हाँ, बास का मुस्कालू में भी तो गए थे ना बजाने। वहां तो बलवा हो गया और हमें मार पड़ी। ये देखिए उसके निशान अभी तक ताजा है। बकोमत मक्कार। कपड़े उतारो जल्दी। सुन लिया तुमने? जेबें उल्टी करो, पैसे निकालो। मेहरबानी कीजिए, मत सताइए गरीबों को। सच कहता हूं, पैसे नहीं है हमारे पास। श्तीर, गाड़ी में से वो वायलिन ले आओ, कभी कभी दिल बहला लिया करेंगे। जी, अभी ला दो। तोमा लिस्तार इतना बेहतरीन वायलिन बजाता था कि सुध-बुध भूल जाती थी। माफ करना दोस्तों, मैं तो हुक्म का ताबेदार हूं। श्तीर, तुम कितने डरपोक हो, सोचते हो कि वो तुम्हारे सपने में आएगा? मैं कहां डरा? आप नाहक हंसे उड़ा रहे हैं। अच्छा मजाक है? और इस वक्त क्या जवाब होता है? रुदा देंगे, मुकाबला करो। सच सच बताओ, क्या ये लाश तोमा लिस्तार की ही है? जी हाँ। इसका मतलब है तोमा लिस्तार का जत्था खत्म हो गया। सही कहा आपने। सुनो ट्रागोमीर, तुम दोबारा कभी मेरे आगे न पड़ना। अगर गलती से भी सरकारी कर चुकाए बगैर कहीं तो मेरे हाथ पड़ गए तो देखना, तुम्हें गिरफ्तार करके हवालात में बंद करूंगा। याद रखो, मेरा नाम है परुचे केर मुराती। शुक्रिया परुचे केर मुराती। आओ चलें। इस बार छोड़ देता हूं, आइंदा रहम की उम्मीद न करना। कुछ दिनों के लिए भला टली। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रो मत देंगे। जन्म में जाए तुम्हारा संगीत बहुत सा और नहीं सह सकता। मैं यहां से भाग जाऊंगा। भाग कर कहां जाओगे देंगे? ये खाना बदोशी और संगीत ही हम लवधारियों की जिंदगी, और यही हमारे भाग्य में लिखा है बेटे। हम जरूर इस भाग्य को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो बेटे, मुसीबतों से डरकर भागना कायरता होगी। हाँ, जल्दी करो, सब सिक्के इकट्ठे करो। अभी लीजिए, इस पर रखो सब सिक्के। इस पर शुक्रिया भाइयों, शुक्रिया शुक्रिया। ये लो, उसका हिस्सा दे दो। ऐसे रो मत देंगे, तुम आदमी हो, धीरज रखो। एक बात कभी न भूलो, जो एक बार इस जिंदगी में फंसा तो मौत तक फंसा रहता है, ये मेरा तजुर्बा है। तुम कुछ भी कहो अलिस्तार, ऐसी जिंदगी से मुझे कोई लगाव नहीं। जरा और थोड़ी पूंजी जमा हो जाए तो तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा और जमीन खरीद कर खेती बाड़ी करूंगा। कोई धौंस तो नहीं जमाएगा? ऐसा क्या गलत कहा? बस करो, अपने हाथों पर जरा नजर डालो, क्या उनमें इतनी ताकत है कि तुम खेती बाड़ी करोगे? जरा समझने की कोशिश करो, विधाता ने हरेक का नसीब पहले ही लिख रखा है। कम से कम मैं तो यही समझता हूं, हरेक को अपने हाथों की ताकत जाननी चाहिए।
समझ गए। दरवाजा खोलो ना टोमा। ये गलत है, क्या मैंने यही सिखाया था? बुद्धू कहीं के तुम क्या सीखोगे? वायलिन दो, लाओ। मैं तुम्हें लोहार के यहां भेज दूंगा, लोहार बनाऊंगा, फिर धमनी फूंको, हथौड़े चलाओ, चाकू कैंची उस तरह बनाओ, वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। चलो तैयार हो जाओ। तुम तोमा पर ना गुस्सा करते हो, वो तो अभी बच्चा है, तुम जबरदस्ती मत करो, देख लेना एक दिन वो जरूर संगीतकार बनेगा। महान संगीतकार। मुझे तो आसार नजर नहीं आते, ना समझ है वो अभी, सीखोगे ना लगन से? बोलो सीखोगे ना? सुनो बेटे, तुम्हारा घराना ही संगीतकारों का है, संगीत तुम्हारी विरासत है, तुम महान संगीतकार बनोगे, अपने बाप से भी ऊंचे, और बहुत नाम कमाओगे, ये तुम्हारा भविष्य है। भाड़ में जाए भविष्य, मैं दावे से कहता हूं ये कभी संगीतकार नहीं बनेगा, हरगिज नहीं। चलो बेटा। आखिर मर गया, यहां आओ, घबराओ नहीं, जाओ वो पिल्ला उठा लाओ, जाओ वो तुम्हें नहीं काटेगा, रहने भी दो, बच्चा डर जाएगा। उसका दिल सख्त होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं। ऐसी कड़ी सर्दियों में शादी रचा रहे मेलको के बदन अकड़ जाएगा। शादी ब्याह का कोई मौसम नहीं होता। लेकिन बाजे वालों को क्या मिलेगा मेलको? मुट्ठी भर के सोना दूंगा। सिर्फ मुट्ठी भर? और क्या, क्या ये कम है? और तोमा अलिस्तार को क्या दोगे? तोमा अलिस्तार से बराबरी करना तुम्हारी बेवकूफी है, कहां वो और कहां तुम। लेकिन क्या दोगे तुम? तो एक सिक्के के भी लायक नहीं।
लेकिन तोमा अलिस्तार को 5 सोने के सिक्के पेश करूंगा क्योंकि सारे बेसराबिया में उसकी जोड़ नहीं। देखो अमेल को, मान सम्मान संगीतकार और सुंदरी, इन तीनों की कीमत सोने के सिक्कों में आंकना बहुत बड़ा पाप होगा। सही है, फ्रांस की महारानी का खजाना भी संगीतकार को खरीदने के लिए कम पड़ेगा। अरे उल्लू बड़ा आया संगीतकार को खरीदने वाला, क्या समझा अपने आपको? अच्छा बस करो, जितना मांगोगे मैं दूंगा, अब चलो। नहीं, भेड़िए का। चुप रहो। अगर तुम उसे छुओ तो काट लेगा। छू के देखो। यहाँ किसने बुलाया? तुम्हारे भेड़िए का पिल्ला देखने हम यहाँ आए हैं। लेकिन वो तुम्हें देखना नहीं चाहता है। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। कहा ना भाग जाओ यहाँ से, हम ये पिल्ला ले जाएंगी। बड़ी आए हक जताने, भूतनी कहेगी। देखती हूँ कैसे नहीं दे रहा। चलो, देखती क्या हो? चलो मुझे। नहीं दे रहा क्या किसका? चलो मारो मारो इसे। चलो मुझे यहाँ से। चलो मुझे। चलो ठीक तो पिला इसे। चलो मुझे। चलो मुझे। मारो मारो मारो। ठीक तो ले जाएंगे पिला। देता है या नहीं वो पिला? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं। पिल्ला दे दो हमें, वरना तुम्हें सड़क पर ले जाएंगी और तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे सब लोग। तोमा को लड़के से लड़की बना हो रही, तोमा की वेणी में गजरा सजा हो रही। अच्छा अच्छा बस करो, ले जाओ पिल्ला और फौरन निकल जाओ यहाँ से। छोड़ दो इसे। अब आया।